खिलौने और मिठाइयों की दुकानें लगी हैं। बेटा ये बड़ा शहर है, महानगर है, यहाँ रोज ऐसे ही भीड़ रहती है। ये राजधानी है, यहाँ प्रदेश भर से लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता, व्यवसायी। खिलौने और मिठाइयों की दुकानें लगी हैं। बेटा ये बड़ा शहर है, महानगर है, यहाँ रोज ऐसे ही भीड़ रहती है। ये राजधानी है, यहाँ प्रदेश भर से लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता, व्यवसायी और अधिकारी यहीं रहते हैं। पैसे वाले और अमीर लोग गांव छोड़कर राजधानी में बस गए। सरकार उनकी सुविधा के लिए यहाँ सभी प्रकार के संसाधन मुहैया कराती है, जिसके कारण यहाँ हर रोज मार्केट में चहल पहल रहती है। चारों तरफ का आश्चर्यजनक रूप देखकर मैं सोच रहा था कि दुनिया कितने आगे पहुँच गई है, जबकि गांव वाले बेचारे आज भी 18वीं सदी में जी रहे हैं। गांव में न तो ढंग की सड़कें हैं, न टाइम से बिजली आती है, न बेहतर क्वालिटी के स्कूल हैं, न ही रोजगार के साधन हैं। गांव वालों की तो जिंदगी नरक है, लेकिन इसमें उन बेचारों की क्या गलती? जब अवसर ही नहीं मिलेगा तो गांव वाले तरक्की कैसे करेंगे? सारी सुविधाएं तो शहर में उपलब्ध हैं। यहाँ की सड़कें कितनी शानदार हैं। पानी के लिए जगह जगह टंकियां बनी हैं। बिजली भी 24 घंटे रहती है। हर जगह आने जाने के लिए बस, ऑटो इत्यादि अनेकों सवारियां मिलती हैं। गांव में तो 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। पटना पहुंचकर हम दोनों सुपर 30 का पता पूछते पूछते किसी तरह कोचिंग पहुंचे। रिसेप्शन पर बापू ने एडमिशन प्रक्रिया पूछा तो रिसेप्शनिस्ट हम दोनों को बहुत गौर से देखते हुए बोला, सुपर 30 में एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम पास होने पर मिलता है, जिसमें निशुल्क कोचिंग के साथ साथ रहना खाना सब फ्री है। अन्यथा दूसरे कोर्स में एडमिशन लेने पर लगभग 1 लाख रुपए फीस के अलावा रहने खाने का पैसा अलग से देना होगा। बापू ने सुपर 30 में एंट्रेंस के लिए फॉर्म काउंटर से लिया। फॉर्म भरने पर पता चला कि तीसरे दिन ही एंट्रेंस एग्जाम होना है। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए तो मौका ही नहीं है, अब क्या करें? मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं, यदि यहाँ बात नहीं बनी तो कोटा के लिए प्रयास किया जाएगा, पिताजी ने मुझे मोटिवेट करते हुए कहा। फिर हम दोनों ट्रेन पकड़कर वापस घर लौट आए। घर पहुंचकर मैंने अपनी सभी किताबों पर एक सरसरी नजर डाली, फॉर्मूलों को दोहराया। तीसरे दिन माँ ने दही गुड़ खिलाकर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए विदा किया। ट्रेन पकड़कर हम दोनों पटना पहुंच गए। रामानुज स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के ऑफिस में बच्चों का मजमा लगा था। हजारों बच्चे सुपर 30 में चयनित होने का सपना लेकर एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आए थे। भीड़ को देखकर एक बार तो मैं हल्का सा निराश हो गया। नोटिस बोर्ड पर रोल नंबर देखकर ईश्वर का नाम लेते हुए मैं लेक्चर हॉल में पहुंचा। तब पता चला कि इसमें तो अधिकांशतः वो छात्र हैं जो पिछले 1 साल से रामानुज स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में कोचिंग कर रहे हैं। ये जानकर तो मैं और नर्वस हो गया। जब पेपर देखा तब लगा कि मेरा चयन सुपर 30 में हो जाएगा, लेकिन भीड़ देखकर मेरी नर्वसनेस बढ़ रही थी। मैंने पेपर हल करना शुरू किया तो नर्वसनेस के कारण कई प्रश्न जिन्हें मैं आसानी से कर सकता था वो सॉल्व ही नहीं हो पा रहे थे। फिर भी कुल मिलाकर मेरा पेपर संतोषजनक था और मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम देकर जैसे ही बाहर निकला तो बापू ने पूछा, पेपर कैसा हुआ? एडमिशन तो हो जाना चाहिए क्योंकि पेपर अच्छा गया है, मैंने चहकते हुए कहा। वहां बताया गया कि रिजल्ट 2 दिन बाद जारी होंगे। हम दोनों वापस घर चले आए। 2 दिन बाद बापू कोचिंग पहुंचे तब रिसेप्शनिस्ट ने अफसोस जाहिर करते हुए बताया, काश आपका बेटा केवल 1 और प्रश्न सही कर लिया होता तो सुपर 30 के लिए सिलेक्ट हो गया होता। हालांकि उसने फाउंडेशन कोर्स की प्रवेश परीक्षा में टॉप किया है। सर, फाउंडेशन कोर्स की फीस जमा करने के लायक मेरे पास पैसे नहीं है, बापू ने हाथ जोड़कर दबी आवाज में कहा। देखिए, मैं किसान आदमी हूँ, कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? मेरा बेटा बहुत होनहार है, यदि आप इसका दाखिला कर लेंगे तो ये जरूर IIT में सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए, सुपर 30 की सभी सीटें फुल हो गई हैं, उसके लिए अब आप अगले साल आए, काउंसलर ने मुंह बनाते हुए कहा। आपके लिए मैं फाउंडेशन कोर्स की फीस में डिस्काउंट करवा दूंगा, उसके लिए आप 2 दिन बाद आए। पिताजी निराश होकर घर को वापस चल दिए। कब भैल जी? घर में घुसते ही माँ ने पिताजी से सवाल दाग दिया। कुछ हो ना, केवल 1 प्रश्न खातिर सुपर 30 में ना भैल। अब का हुई?
मायूस होकर माँ ने पूछा, कौनो बात नहीं, अब कोटा में देखा ना ही ता जमीन बेच के कोचिंग तक करा ही देंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए पिताजी ने छत को देखकर कुछ सोचते हुए कहा। कुछ देर के लिए पूरे घर में सन्नाटा छा गया था। वैसे कोटा इंजीनियरिंग का कोचिंग के खातिर सबसे अच्छी जगह हुआ है। अगर वहाँ कंपटीशन निकल जाए तब फ्री में स्कॉलरशिप में एडमिशन हो जाए और पूरा फीस माफ हो जाए। बस रहिए और खाइए के खर्चा देवे के पड़ी, पिताजी ने माँ से कहा। ता वहीं ले जाए जाए, माँ ने कहा। पिताजी की हालत देखकर मैं परेशान हो गया था। मैं पूरी रात सो नहीं सका। मुझे किसी भी हालत में कोटा में 100% स्कॉलरशिप पर एडमिशन लेना था। 5 दिन बाद कुछ पैसों का इंतजाम कर बापू कोटा जाने को तैयार हुए। इधर 5 दिनों में मैंने जमकर पढ़ाई की। फ्री स्कॉलरशिप की उम्मीद में पिताजी मुझे गांव से लेकर आरा स्टेशन पहुंचे। लोगों से पता किया कि कोटा के लिए कौन सी ट्रेन जाती है। इससे पहले पिताजी भी बिहार से बाहर कभी नहीं गए थे। पिताजी ने कोटा के लिए 2 जनरल टिकट खरीदे। माँ ने हमें रास्ते में खाने के लिए पूड़ी और सब्जी बनाकर दी थी। ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर पहुंची तब ट्रेन की भीड़ देखकर तो मेरी हिम्मत ही छूट गई। हम लोग आगे से पीछे तक पूरी ट्रेन का 2-3 बार चक्कर मार डाले, लेकिन जनरल डिब्बे में इतनी भीड़ थी कि हम गेट के अंदर भी नहीं घुस पाए। ट्रेन सीटी देने लगी तो पिताजी जल्दी से मुझे लेकर रिजर्वेशन वाले डिब्बे में घुस गए। अंदर पहुंचकर बोले, चलो टीटी आएगा तो कुछ सेटिंग कर लेंगे। मुगल सराय जंक्शन पर डिब्बे में टीटी चढ़ा। टीटी को देखकर बापू उसकी ओर लपके और हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाने लगे। पहले तो टीटी बहुत चिल्लाया, फिर कहा 2400 रुपए पेनल्टी बनती है। बापू बहुत देर तक उसके साथ मोल भाव करते रहे, हाथ जोड़कर मिन्नतें करते रहे। तब जाकर किसी तरह से उसने 1000 रुपए लेकर हमें जमीन पर बैठने की अनुमति दी। हम लोग स्लीपर डिब्बे में जमीन पर ही चादर बिछाकर बैठ गए। यहाँ जनरल की तुलना में काफी आराम था। रात में हम दोनों वहीं सो गए। दूसरे दिन ट्रेन ने हमें कोटा स्टेशन पर पहुंचा दिया। मैंने IITian बनने का सपना लिए कोटा की धरती पर कदम रखा। मेरे जैसे लाखों युवा हर साल IIT और नीट में सफलता का ख्वाब संजोए देश के दूर दराज से राजस्थान के कोटा शहर में आते हैं। आप जिधर देखेंगे उधर स्टूडेंट ही नजर आएंगे। सभी की आंखों में सुनहरे सपने और दिल में सिलेक्शन का हसीन ख्वाब होता है। कोटा की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं स्टूडेंट्स के फैसिलिटी से संबंधित रोजगार में संलग्न है। यहाँ छोटे बड़े कुल मिलाकर सैकड़ों कोचिंग संस्थान होंगे। पहले तो यहाँ IIT की तैयारी करने वाले स्टूडेंट ही आते थे, लेकिन अब मेडिकल के साथ साथ अन्य छोटी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, जिसके कारण यहाँ आने वाले छात्रों की संख्या में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। स्टूडेंट्स के रहने के लिए पेइंग गेस्ट, हॉस्टल, खाने के प्रबंधन के लिए मेस, होटल, रेस्टोरेंट, टिफिन वाले, वैन वाले, ऑटो वाले, चाय नाश्ते की दुकानें, कॉपी किताब और फोटो स्टेट की दुकानों की भरमार है। इतना ही नहीं, यहाँ आने वाले अधिकांश स्टूडेंट हाई स्कूल पास करके आते हैं, इसलिए स्टूडेंट को 10+2 कराने वाले प्राइवेट स्कूलों का बिजनेस भी तेजी से फल फूल रहा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों के सफलता के अपने अपने दावे हैं। मार्केट में कंपटीशन के कारण ये लुभावने विज्ञापनों द्वारा स्टूडेंट्स को आकर्षित करते हैं। कोटा स्टूडेंट्स के लिए मायावी जगह है। एक ही स्टूडेंट की फोटो कई कोचिंग वाले छाप देते हैं, जिससे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनकी सफलता में किसका योगदान सबसे अधिक है। कोटा की भीड़ में से चंद स्टूडेंट्स के ही सपनों की हसरत पूरी हो पाती है। अधिकांश स्टूडेंट अपना टाइम और पैसा सब कुछ लुटाकर वापस बैरंग लौट जाते हैं। कुछ बच्चे कॉम्प्रोमाइज कर प्राइवेट कॉलेजों से बीटेक करके अपने इंजीनियरिंग का भूत उतारते हैं, जबकि अन्य दूसरे कोर्स में प्रवेश लेकर भीड़ भरी दुनिया में न जाने कहां खो जाते हैं, जिसका आंकड़ा किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास नहीं होता है। सभी कोचिंग सेंटर वाले सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड स्टूडेंट की चर्चा करके अपनी दुकान चलाते हैं। हकीकत में यदि देखा जाए तो यहाँ का सिलेक्शन रेशियो मात्र 3-4% ही होगा। इसके बावजूद हर साल लाखों स्टूडेंट और उनके अभिभावक जाने अनजाने कोटा रूपी महासागर में छलांग लगाकर सफलता की चाहत में गोता लगाते हैं। इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच बंसल और रेजोनेंस सबसे लोकप्रिय कोचिंग संस्थान है, जहाँ से प्रतिवर्ष सर्वाधिक चयन होता है।
लेकिन इन कोचिंग संस्थानों में प्रवेश पाना भी अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। यहाँ मेधावी स्टूडेंट को अलग से बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट उनके प्रचार सामग्री होते हैं। कॉम्पिटिशन के आधार पर कुछ छात्रों को 100% स्कॉलरशिप के अंतर्गत फ्री एडमिशन अर्थात निःशुल्क कोचिंग सुविधा मिलती है, तो कुछ को 50% तक स्कॉलरशिप की सुविधा मिलती है। हकीकत में इन्हीं मेधावी छात्रों में से कुछ का IIT में सिलेक्शन होता है, बाकी स्टूडेंट्स को पूरी फीस जमा करनी होती है, जिसके भरोसे कोचिंग वालों का बिजनेस चलता है। कोटा में कोचिंग संस्थान वालों का भारी भरकम फीस स्ट्रक्चर है, जिसके कारण मध्यम श्रेणी के बच्चों का कोचिंग कर पाना बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है। मैं 100% स्कॉलरशिप के उद्देश्य से अर्थात निःशुल्क कोचिंग करने का लक्ष्य लेकर कोटा आया था। मैं और पिताजी कोटा स्टेशन पर उतर कर फ्रेश होकर सबसे पहले बंसल के रिसेप्शन पर पहुंचे। बच्चे को कोचिंग में एडमिशन लेना है, क्या प्रोसीजर है मैडम? बापू ने रिसेप्शन पर बैठी सुंदर सी लड़की से पूछा। फ्रेशर है या रिपीटर है? बापू को फ्रेशर और रिपीटर का मतलब नहीं पता था, इसलिए उन्होंने सीधी और सपाट भाषा में कहा, मैडम जी इसी साल इसने मैट्रिक पास किया है, आरा जिले में फर्स्ट स्थान पाया है हमारा बेटा, पढ़ने में बहुत तेज है। यहाँ आने वाले सभी अभिभावकों को लगता है कि उनका बेटा या बेटी पढ़ने में बहुत तेज है। अधिकांश बच्चे अपने जिले या स्कूल के टॉपर होते हैं, यहाँ सामान्य किस्म के बच्चे का तो एडमिशन ही नहीं होता। हमारे यहाँ कोर्स और पढ़ाई का लेवल बहुत हाई है, ये देखिए हमारे संस्थान से सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट है। लड़की ने ब्राउजर दिखाते हुए कहा, जिसमें IIT में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की फोटो, नाम और रैंक लिखी हुई थी। अभिभावकों को उन फोटो के बीच अपने बच्चे की तस्वीर दिखने लगती है। फिर मैडम ने एडमिशन प्रक्रिया और फीस स्ट्रक्चर समझाया। हमने टेस्ट के लिए फॉर्म लिया और वहीं भरकर जमा कर दिया। बंसल में एक सप्ताह बाद ही टेस्ट होने वाले थे। प्रोसीजर समझने और फॉर्म भरने में हमें शाम हो गई। लंबे सफर के कारण हम दोनों थक गए थे, इसके बावजूद बापू मुझे लेकर रेजोनेंस के रिसेप्शन पर पहुंचे। वहां काउंटर बंद हो चुका था। गार्ड ने बताया कि कल सुबह 10 बजे आना, अभी मेरे रहने के लिए कमरे की व्यवस्था करनी थी। बापू इधर उधर सस्ते कमरे के बारे में पता करने लगे। बाबूजी आपको रूम चाहिए? पीछे से एक ऑटो वाले ने पूछा। हाँ भाई कोई सस्ता रूम दिला दो, पीछे मुड़कर बापू ने कहा। कितना बजट है आपका? ऑटो वाले ने पूछा। यही कोई 1000-1200 तक का, पिताजी ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा। तब तो आप कोटा में कमरा लेना भूल जाइए, यहाँ तो 1000-1200 में झुग्गी झोपड़ी भी नहीं मिलेगी। आप अगली ट्रेन पकड़कर वापस बिहार चले जाइए, यही आपके लिए बेहतर होगा। भाई आप तो बुरा मान गए। अच्छा बताओ कम से कम कितने तक का रूम मिल जाएगा? पिताजी ने हाथ जोड़ते हुए पूछा। किस लिए रूम चाहिए, पढ़ाई करने के लिए या कुछ छोटा मोटा काम करने के लिए, जैसे मेहनत मजदूरी या फिर नौकरी करने के लिए? पहले आप अपनी जरूरत बताओ फिर बात करेंगे। ऑटो वाले की बातों से लग रहा था कि वो बापू से तफरी कर रहा हो। अरे भैया हमारा ही बच्चा IIT की तैयारी करेगा, इसके लिए रूम चाहिए तो स्टूडेंट के लिए रूम चाहिए। कुछ पल रुककर थोड़ी देर सोचने के बाद ऑटो वाले ने बोला, 4,000-5,000 रुपए में पढ़ाई करने लायक ठीक ठाक कमरा मिल सकता है, और हाँ रूम तय होने के बाद रेंट के हिसाब से 50% कमीशन हमारा अलग से। रूम पसंद नहीं आया तो 50 रुपए ऑटो का किराया देना पड़ेगा, ऑटो वाले ने कंधे पर गमछा रगड़ते हुए कहा। बापू सोच में पड़ गए। चलिए मैं आपको रूम दिखा देता हूँ, अगर समझ में आएगा तो ले लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ यही रेट चल रहा है, ऑटो वाले ने ऑटो में बैठने का इशारा करते हुए कहा। थोड़ी देर सोचने के बाद बापू ने कहा, चलो दिखाओ। मैंने बापू को थोड़ी दूर बुलाकर कहा, बापू ये तो कमीशन मांग रहा है, किसी दूसरे से पूछते हैं। बेटा यहाँ जो भी रूम दिलाएगा वही कमीशन लेगा, फ्री में तो कोई नहीं दिलाने वाला, ये गांव नहीं है ये परदेश है, यहाँ के लोग तो रास्ता बताने का भी पैसा ले लेते हैं। अभी चलकर एरिया और रूम देख लेते हैं, कल सुबह उसी एरिया में दूसरा रूम ढूंढ लेंगे, मुस्कुराते हुए बापू ने कहा। ऑटो वाले ने हमें 4-5 जगह रूम दिखाया, कहीं बहुत अंधेरा था
तो कहीं पानी की समस्या थी, तो कहीं कोई दूसरी प्रॉब्लम थी। इतना ही नहीं, लगभग सभी रूम 5 से 6 हजार की रेंज में थे, जो हमारे बजट से बाहर थे। बापू ने ऑटो वाले को 50 रुपया दिया और अलविदा कहा। रात हो गई थी, हम लोग थक चुके थे। चलो आज रात स्टेशन पर ही बिताते हैं, बापू ने मुझसे कहा। मैं और बापू दूसरा ऑटो पकड़कर स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पर बने हॉल में हम दोनों ने चादर बिछाकर बैग रखकर थोड़ी देर आराम किया। फिर बापू स्टेशन पर बने सुलभ शौचालय में जाकर फ्रेश हुए। माँ की दी हुई पूड़ी सब्जी खत्म हो चुकी थी, इसलिए स्टेशन पर बिकने वाली पूड़ी सब्जी खाकर हम दोनों सो गए। सुबह 3 बजे मेरी नींद टूट गई। मैंने किताबें निकालकर फॉर्मूलों को एक बार फिर से दोहराया, साथ ही सुपर 30 के पेपर को भी हल करने की कोशिश करने लगा। उससे संबंधित सवालों के फॉर्मूलों का रिविजन किया। थके होने के कारण बापू थोड़ी देर से लगभग 6 बजे जगे। फिर स्टेशन पर ही फ्रेश होकर हम दोनों ने हल्का सा चाय नाश्ता किया। 8 बजे तक हम लोग रेजोनेंस कोचिंग पहुंच गए। रिसेप्शन पर फिर से वही बंसल वाली सारी प्रक्रिया दोहराई गई। इंस्टीट्यूट का 10 पन्नों का ब्राउजर, जिसमें सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की चमचमाती फोटो रूपी मायाजाल में भारी भरकम फीस स्ट्रक्चर की लिस्ट, एडमिशन टेस्ट के लिए फॉर्म भरवाया गया। मैडम, टेस्ट में किस स्तर और टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं? क्या सैंपल पेपर मिल सकता है? मैंने रिसेप्शन पर बैठी काउंसलर से पूछा। आप बुक स्टॉल से एडमिशन टेस्ट पेपर का सॉल्व पेपर ले लीजिए, उसमें सभी बड़ी और फेमस कोचिंग के लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को हल किया गया है। उसे पूरा हल कर लेने पर आपको एडमिशन लेना आसान हो जाएगा, काउंसलर ने मुझे समझाते हुए कहा। रेजोनेंस में 15 दिन बाद एंट्रेंस एग्जाम होने थे, यानी बंसल के एग्जाम के 8 दिन बाद। बुक स्टॉल से मैंने एडमिशन के टेस्ट पेपर का सॉल्व खरीद लिया। दोपहर के 2 बज रहे थे, हमें भूख लगी थी। चलो कुछ खा लेते हैं, सामने रेस्टोरेंट की ओर इशारा करते हुए बापू ने कहा। क्या ऑर्डर है आपका? पानी का गिलास मेज पर रखते हुए वेटर ने पूछा। भोजन करना है भाई साहब, बापू ने बड़ी विनम्रता से कहा। मेन्यू देखकर अपना ऑर्डर बताइए, यहाँ तो सैकड़ों आइटम है, क्या दें? रोटी सब्जी दे दो भाई। किस चीज की सब्जी चाहिए? कोई हरी सब्जी दे दो। भिंडी की सब्जी लगवा दें? हाँ, साथ में रोटी भी। ये रहा आपके खाने का बिल। खाना खाने के बाद वेटर ने सौंफ और मिश्री के साथ एक डायरी नुमा किताब रखते हुए कहा। कहा भैया, कहा खिला दिए हो कि ये रोटी और सब्जी के 448 रुपया हो गई? बिल देखकर बापू ने उछलते हुए पूछा। आप लोग तो दिन दहाड़े डकैती डाल रहे हो, बापू ने थोड़ी ऊंची आवाज में चिल्लाया। सर आप चिल्लाइए नहीं, यहाँ दूसरे कस्टमर भी बैठे हैं, प्लीज आप शांत रहिए। आपकी क्या प्रॉब्लम है हमें बताइए। एक दूसरा सफारी सूट पहना हुआ आदमी बापू के पास आकर बड़े ही अदब और विनम्रता से कहने लगा। बापू ने झल्लाते हुए कहा, एक प्लेट सब्जी और 10 रोटी का 448 रुपए कैसे हो गया? उसने बिल को गौर से देखने के बाद कहा, जो रेट मेन्यू कार्ड पर लिखा है वही चार्ज किया गया है। कैसे? जरा जोड़ो भैया। 250 रुपए की एक प्लेट सब्जी, 10 रुपए प्रति रोटी के हिसाब से 100 रुपए की रोटी, 30 रुपए की सलाद, कुल 380 रुपए हुए। तब बिल कैसे 448 रुपए का हुआ? बापू ने जोर देकर कहा। भाई साहब, 380 रुपए पर सेल टैक्स और सर्विस टैक्स लगा है, ये तो सरकार के खाते में जाता है। बापू पैसा दे दीजिए, लड़ाई से कोई फायदा नहीं है, मैंने धीरे से बापू के कान में कहा। बापू ने भुनभुनाते हुए पैसा दिया और बाहर आए। कोटा था बड़ा महंगा शहर हवे, बापू ने मुझसे कहा। यहाँ था गरीब आदमी के गुजारा ना हुई। यही बात तो कल ऑटो वाला भी कह रहा था बापू। छोड़ो IIT, अपने वश से बाहर की चीज है, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? महीने में कम से कम 5-7 हजार रुपए का खर्चा है। बापू की परेशानी देखकर दिल पर पत्थर रखकर मैंने कहा, तू पैसा का टेंशन ना ले, हम तोहरा के पढ़ावे भर के कमाई ला। एक कंधे से दूसरे कंधे में बैग टांगते हुए बापू ने कहा। खाना खाकर हम दोनों रूम ढूंढने निकल पड़े। जिस कॉलोनी में रूम पता करते, वहां के गार्ड बस एक ही रटा रटाया जवाब दे रहे थे, रूम तो मिल जाएगा लेकिन 4-5 हजार रुपए महीना किराया होगा, पहले महीने के किराए का 50% कमीशन देना पड़ेगा। शाम तक हम लोग रूम खोजते खोजते थक गए, लेकिन कोई सस्ता रूम नहीं मिला। थक हार कर
हम लोग एक कॉलोनी के बाहर प्रेस वाले की दुकान के सामने रखे पत्थर पर बैठ गए। क्या बात है बाबूजी? बहुत परेशान लग रहे हो, प्रेस वाले ने पूछा। हाँ भैया, परेशान तो हैं। रूम ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ तो बड़ा महंगा रूम है, बापू ने उदास लहजे में कहा। भाई साहब, यहाँ तो ठीक ठाक रूम 4-5 हजार से कम में नहीं मिलेगा। कहाँ से आए हो? प्रेस वाले ने बीड़ी सुलगाते हुए पूछा। आरा जिला बिहार से। आरा में कहाँ से? आरा सुनते ही प्रेस वाले की आंखों में चमक आ गई। सोनगढ़ी से। हमरो घर तो भिकमपुरवा में हुआ, आपके यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पर। बैठल जाए? आप तो अपने जिला जवार के हवाई, ये पानी पियल जाए। गुड़ के साथ पानी से भरा लोटा आगे बढ़ाते हुए प्रेस वाले ने कहा। हम दोनों पानी पीकर उसी की दुकान पर बैठ गए। कुछ देर सोचने के बाद प्रेस वाले ने कपड़ों पर पानी का छींटा मारते हुए कहा, 1 घंटा रुकल जाइए आप, हम आपके सस्ता मकान दिलवाई देव। मैं और बापू प्रेस वाले की दुकान पर बैठ गए। बातों ही बातों में वो बताने लगा, 10 साल पहले गांव में सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं रोजी रोटी की तलाश में कोटा आया था। कुछ दिनों तक मजदूरी करने के बाद प्रेस की दुकान खोल लिया। 2 साल पहले बीवी के गुजर जाने के बाद तो इस भीड़ भरी दुनिया में अकेला रह गया हूँ। लगभग 2 घंटे बाद प्रेस वाले ने दुकान बंद की और हमें लेकर कॉलोनी से बाहर चल दिया। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम लोग बहुत ही तंग और घनी बस्ती पहुंचे, जिसमें पतली व संकरी गलियां थीं। पुराने जमाने के बने हुए घरों, जिनमें से अधिकांश के प्लास्टर टूटे थे, कॉलोनी में जगह जगह पर कूड़े और गंदगी के ढेर पड़े थे। कॉलोनी की हालत को देखकर लग रहा था कि ये गरीबों की बस्ती होगी। भाई जी, इधर कामकाजी लोग और गरीब स्टूडेंट रहते हैं, इधर भी पढ़ाई का अच्छा माहौल है। पढ़ाई करने वालों के लिए इधर कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ से भी बहुत सारे स्टूडेंट का IIT में सिलेक्शन हुआ है, बस इधर थोड़ा साफ सफाई का अभाव है, प्रेस वाले ने हमें चलते चलते बताया। थोड़ी देर में प्रेस वाला हमको लेकर 1-3 मंजिला मकान पर पहुंचा। राम राम काका, प्रेस वाले ने एक अधेड़ से व्यक्ति को हाथ जोड़कर कहा।